ओम बुद्ध एवरीवन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के एंट्रेंस पे या जस्ट एंटर करते ही या फिर शॉप के एंट्रेंसेस पे या फिर शॉप के कैश काउंटर्स पे, बिजनेस प्लेसेस में, कॉर्नर्स में कहीं ना कहीं ऐसे रॉक सॉल्ट के पीसेस आपको रखे हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि रॉक सॉल्ट किस चीज़ का काम करता है। रॉक सॉल्ट नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। जो भी लोग आपके घर में आ रहे हैं, आपके ऑफिस स्पेस में आ रहे हैं, आपके शॉप्स में आ रहे हैं, जब भी वो एंटर करेंगे तो रॉक सॉल्ट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये धीरे धीरे आप देखेंगे कम होना शुरू भी हो जाता है। और साथ में आप इसके एलम का एक पीस ऐड कर सकते हैं जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, और साथ में आप इसके कपूर के कुछ पीसेस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे ये छोटे पीसेस हो चुके हैं क्योंकि मैंने कुछ वक्त से इनको रखा हुआ है, तो अब ये इवेपोरेट होने लग गए हैं, ये उड़ने लग गए हैं। और क्यों? क्योंकि इन्होंने नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब किया था। तो इस तरह के पीसेस आप, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन, साथ में ब्लैक टॉर्मलिन के आप टम्बल्स भी डाल सकते हैं जो कि मैंने बाकी जगह पर रखे हुए हैं। तो इस तरह के जितने भी पीसेस हैं आप अपने एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, कैश काउंटर्स पे लगा सकते हैं, ऑफिस स्पेस में लगा सकते हैं या वर्किंग टेबल पे भी आप रख सकते हैं इसको। अब करना क्या है आपको? ये तो हो गया नेगेटिविटी एब्जॉर्ब। आप बोलेंगे कि इसमें तो हम सबको पता है ये चीज़ तो, कि ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। बट जो चीज़ आपको नहीं पता और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत सी लोग एक मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक होती है? कि एक बार आपने इसको प्लेस कर दिया तो आप सोचते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद इस रॉक सॉल्ट के अंदर, इस पत्थर के अंदर आप देखेंगे आसपास थोड़ा थोड़ा वाटर आना शुरू हो जाएगा, पानी छोड़ना शुरू कर देगा ये। जब ये पानी छोड़ना शुरू करता है दैट मीन्स इसका एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने का, और पूरी तरह से एनवायरनमेंट में से, आसपास की जगह से ये एब्जॉर्ब कर चुका है उस नेगेटिविटी को, इसीलिए अब उसने पानी को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको इस रॉक सॉल्ट को बहते हुए पानी के नीचे, जो कि टैप वाटर है या फिर अगर कोई फ्लोइंग रिवर है आपके आसपास, फ्लोइंग वाटर बॉडी है, तो उसके साथ आप इसको रख दीजिए, या फिर नॉर्मल घरों में भी जो टैप वाटर होता है, आप टैप चला के 2 मिनट तक इसको आप उसके नीचे रख दीजिए। जितना भी इसके अंदर नेगेटिविटी अब्जॉर्ब हो गया है वो उस वाटर के फ्लो से निकल जाएगा। उसके बाद आप धूप अगरबत्ती या फिर सेज है तो बहुत ही अच्छा है, सेज लेकर, गूगल कपूर लेकर आप इसकी धुनी करिए, इसकी स्मजिंग करिए जिसको बोला जाता है। स्मजिंग करने के बाद वापस से कपूर को, एलम को और इसको नए तरीके से आप प्लेस करिए उसी जगह पे, और ये आपका दोबारा से एक कॉम्बिनेशन रेडी हो जाता है जिसमें आप बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, प्रोटेक्टेड होती है आपकी स्पेस, और अब कोई भी नेगेटिविटी अगर आएगी तो ये दोबारा से एब्जॉर्ब करने को रेडी है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप इसको समय समय पर क्लेंस ज़रूर करिए, क्योंकि हर चीज़ जो है उसका, चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे वो रॉक सॉल्ट हो, वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। इसी तरह से जो भी आप सेंधा नमक, जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है, आप जो बाथरूम्स में अपने प्लेस करते हैं, ये किसी बाउल में प्लेस करते हैं, उसको भी रेगुलर बेसिस पे आपको रिप्लेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसकी जो भी नेगेटिविटी है वो आपके ही सराउंडिंग्स में फैलनी शुरू हो जाएगी और ये एक नेगेटिविटी का सोर्स बन जाएगा। इवन बाथरूम्स में भी जो आप कटोरी रखते हैं, जो सॉल्ट रखते हैं, वो भी एक नेगेटिविटी का सोर्स बन जाता है, फिर उसके अंदर से भी नेगेटिविटी एमिट होनी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और समय समय पर क्लेंजिंग ज़रूर करिए अपने रॉक सॉल्ट की, और दोबारा से उसको चार्ज करिए, तभी वो वर्क करेगा आपके लिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा आपको, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज़ बहुत लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की नीड है। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।